दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से जुड़े हुए कुछ सवाल के जवाब शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आज जानिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस होने वाला है कि क्या सुकन्या समृद्धि योजना है, क्या इसके अकाउंट पर हम लोन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं निकल सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना खाते बंद कैसे करवा सकते हैं, खाते की मैच्योरिटी कब होती है, रकम जमा कब कब करना है, और सबसे अहम सवाल कि क्या सुकन्या समृद्धि योजना में जो पैसा मेरा जमा है वो निवेश सुरक्षित है या नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं। तो आप पूरी वीडियोज़ में बने रहें, पूरी वीडियोज़ को देखें। फाइनेंशियल रूप से बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका अपना भी यूट्यूब चैनल वेबी क्लास। जी हाँ, जहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलती है। क्लास ऑन द वेब मतलब वेबी क्लास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हम पूछ लेते हैं कि अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ घंटी ज़रूर दबा लीजिए, आपको हमारे वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। उसके बाद जो पुराने दर्शक हैं जो हमारी वीडियोज़ को पहले से देख रहे हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़रूर करें। 100 लाइक की उम्मीद करते हैं, दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स हमें एनर्जी देती है, लाइक्स हमें एनर्जी देता है, और कुछ क्वेरीज हो भी तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। अगर आपके घर में भी छोटी बच्ची है, छोटे बच्ची है, तो आप उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। उनकी शादी के लिए उन्हें एक मुश्त पैसे की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर रहे हैं तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में उस बच्ची के नाम से खाता खोल सकते हैं। 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के बचत के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही अच्छी निवेश की योजना है। इस पे एक सवाल उठता है कि सुकन्या समृद्धि में जो हम निवेश कर रहे हैं, पैसा मिल रहे हैं, इस अकाउंट के अगेंस्ट में लोन मिलता है कि नहीं है। तो आप केंद्र सरकार के तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में ये जान लें कि आम तौर पर लोग अपने निवेश पर लोन की उम्मीद रखते हैं, तो क्या सुकन्या समृद्धि खाते में जमा पैसे जो जमा निवेश है उस पर आपको लोन की सुविधा मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, सुकन्या समृद्धि योजना में जो आप निवेश कर रहे हैं उस पर किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं मिल सकता है। तो आप निश्चिंत रहें कि आपके निवेश पर आपको लोन मिलने नहीं जा रहा है। क्या आप सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? ये सवाल हमारे मन में उठते रहता है कि हम अकाउंट को एक जगह से दूसरी जगह या एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि हाँ, आप अपने सुकन्या समृद्धि योजना को किसी भी पोस्ट ऑफिस से किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में ट्रांसफ़र, या किसी भी बैंक से किसी दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा सवाल ये होता है कि सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जो निवेश है उससे पार्शियल निकासी कर सकते हैं या नहीं। ये एक आम सवाल है, क्योंकि ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, और पैसा हमारे पास अगर निवेश किया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं। हाँ, अगर आपको आंशिक ज़रूरत पड़ती है तो आप आंशिक पैसे को निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपकी बिटिया 18 साल की हो गई तो आप सुकन्या समृद्धि योजना से कुछ पैसे आंशिक रूप से निकाल सकते हैं, जो उनकी पढ़ाई में या किसी और चीज़ में मदद हो। तीसरा यह सवाल होता है कि मैच्योरिटी पूरा होने से पहले हम इसके अकाउंट को, यानी सुकन्या समृद्धि के अकाउंट को बंद कर सकते हैं या नहीं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में एक खुले खाते को मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपके मैं बता दूं कि आप अपने सुकन्या समृद्धि योजना खाते को मैच्योरिटी पूरा होने के पहले कभी भी बंद कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए उसकी कुछ शर्त है। आपको वो शर्त माननी पड़ेगी कि अगर बच्चे की शादी हो रही है और उसकी उम्र 18 साल से अधिक है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को बंद कर सकते हैं, और जो भी पैसा है उस समय तक आप उसे निकाल सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना के खाते की मैच्योरिटी कितने दिन है,
इसको लेकर बहुतों के मन में बहुत सारे भ्रम है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कोई भ्रम नहीं है, बिल्कुल ही सीधा सीधा सा जवाब है कि जब अकाउंट 21 साल के हो जाएगा, यानी जो आपने खाता खोला वो खाता 21 साल में, जब आपने खाता ओपन किया उसके 21 साल बाद मैच्योर हो जाएगा। ये 21 साल आपका तब से नहीं गिना जाएगा जब से लड़की की उम्र है, ये 21 साल गिना जाएगा जिस दिन से आपने बच्ची के लिए अकाउंट खोला है। 21 साल में आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना के जो खाते हैं उसे पैसे कैसे जमा कराना है, ये भी एक अहम सवाल होता है कि हम पैसे कैसे जमा कराएं। तो इस सवाल को लेकर अक्सर लोग भी आशंकित रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप किसी भी प्रकार से, डिमांड ड्राफ्ट से, चेक से, कैश के रूप में या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पैसा जमा कर सकते हैं। सबसे अहम सवाल आज के समय में, निवेश कहाँ सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित नहीं है, ये सबसे अहम सवाल है। तो यहाँ भी एक सवाल आता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश सुरक्षित है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस बारे में लोगों के मन में सवाल उठना बेकार है कि सुरक्षित है निवेश या नहीं है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना में किया हुआ निवेश 100% सुरक्षित है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इस निवेश पर सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। तो दोस्तों शायद आपके मन में जो भ्रम होंगे, सवाल होंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, शायद ये भ्रम और सवाल पूरा हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, और हाँ कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, 100 लाइक्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप नए हैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।